Hi guys, I'm Pratik Kashyap and I'm certified dog trainer. In this video, I'm going to show you how I walk with Zuma. Zuma is 14 months old American Cocker Spaniel. Zuma ki barking and growling ek bahut acha sign hai. Ye humko batata hai isko kya pasand hai aur kya pasand nahi. Zuma puri body language se, apne face ke expression se, eyebrows se, eyes se, wo aapko situations ke bare mein batata hai. Agar dog कम्युनिकेट नहीं करेगा उसको हम सिखाएंगे कैसे. ज़ूमा कैमरामैन की प्रेजेंस के कारण काफ़ी अनकंफर्टेबल है, इसलिए हम ज़ूमा को थोड़ा टाइम देंगे रिलैक्स होने के लिए. ज़ूमा अब रिलैक्स हो चुका है, अब हम इसको वॉक पे लेके चलेंगे. वॉक स्टार्ट करने से पहले आपकी लीश शॉर्ट होनी चाहिए. जब भी स्ट्रेज आपके डॉग के पास आते हैं तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा काम रहना है. ज़ूमा को सिट सिखाने के लिए मैं ज़ूमा के बैक पर प्रेशर दूंगा और सिट बोलूंगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ज़ूमा सिट कमांड का बोल लेना शुरू कर देता है. ज़ूमा को नो सिखाने के लिए जब वो स्निफ करता है मैं लीश पुल करता हूँ और नो बोलता हूँ. सेम एरिया से मैं ज़ूमा को दोबारा लेके जाऊंगा चेक करने के लिए कि उसको नो का मतलब समझ आया है कि नहीं आया है. हम हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने डॉगी को सिखा सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में कैसे कामली बिहेव करना है. मोस्टली बिहेवियर इश्यूज तब आते हैं जब आप डॉगी के साथ वॉक प्रॉपरली नहीं करते हैं. वॉक फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज भी है. ये आपके डॉगी के लिए साइकोलॉजिकली बहुत अच्छी है. इससे आप काफ़ी कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और डॉगी को सिचुएशंस के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे सोशलाइज करा जाए और किस तरीके से अग्रेसिव डॉगीज के सामने बिहेव करा जाए. आज का ट्रेनिंग सेशन हम ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.